दोस्तों आज हम आप सभी को भगवान विष्णु के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जहां उनकी मूर्ति की परछाई में भगवान शिव की परछाई नजर आती है। जी हां, ये बिल्कुल सच है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के सबसे रहस्यमय बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के बारे में और जानेंगे कि आखिर पानी में भगवान विष्णु की परछाई की जगह पर भगवान शिव की परछाई क्यों नजर आती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिवपुरी में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है जिसे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर यहाँ का सबसे भव्य, सुंदर और बड़ा मंदिर है। यह मंदिर में विष्णु जी की सोती हुई प्रतिमा विराजित है। माना जाता है कि मंदिर में विराजमान इस मूर्ति की लंबाई लगभग 5 मीटर है और तालाब की लंबाई लगभग 13 मीटर है। ये तालाब ब्रह्मांडी समुद्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति को देखने पर इसकी भव्यता का एहसास होता है। तालाब में स्थित विष्णु जी की मूर्ति शेषनाग की कुंडली में विराजित है। मूर्ति में विष्णु जी के पैर पार हो गए हैं और बाकी के 11 सिर उनके सिर से टकराते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा में विष्णु जी के 4 हाथ उनके 4 दिव्य गुणों को दर्शाते हैं। उनका चक्र मन को दर्शाता है, शंख 4 तत्वों को दर्शाता है, कमल का फूल चलती ब्रह्मांड और गदा प्रधान ज्ञान को दर्शाती है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी, जहां मंदिर में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान है तो वहीं भोलेनाथ पानी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित है। माना जाता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का पानी गोसाई कुंड में उत्पन्न हुआ था। लोगों का मानना है कि अगस्त में होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान झील के पानी में भगवान शिव की एक छवि नजर आती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से जो विष निकला था तो सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव जी ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया था। जब जहर के कारण उनका गला जलने लगा तो वे काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर चले गए और झील बनाने के लिए त्रिशूल से एक पहाड़ पर वार किया, जिससे एक झील बनी। कहते हैं कि इसी झील के पानी से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। कलयुग में नेपाल की इस झील को गोसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि यह मंदिर नेपाल के राज परिवार के लोगों के लिए शापित है। शाप के डर की वजह से ही राज परिवार के लोग इस मंदिर में नहीं जाते हैं। इस शाप के मुताबिक अगर राज परिवार का कोई भी सदस्य मंदिर में स्थापित मूर्ति के दर्शन कर लेगा तो उसकी मौत निश्चित है। इस शाप के चलते ही राज परिवार के लोग मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। दोस्तों इस मूर्ति को देखकर आप दुविधा में पड़ सकते हैं कि ये भगवान बुद्ध का मंदिर है, जबकि वास्तव में ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू भक्तों के अलावा बौद्ध धर्म के लोगों की भी आस्था का केंद्र है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति जो बुद्ध की मूर्ति से बहुत मेल खाती है वो दरअसल विष्णु की मूर्ति नहीं बल्कि बुद्ध की मूर्ति है, जैसे कि दक्षिण भारत का तिरुपति बालाजी मंदिर, विट्ठल मंदिर इत्यादि। यहाँ तक कि अगर आप बूढ़ा नीलकंठ की मूर्ति को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बुद्ध की मूर्ति से बहुत मेल खाती हुई दिखेगी। अब ऐसा क्यों है, ये तो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, पर हम आप सभी के लिए इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिससे आप सभी को सच्चाई का पता चल सके। दोस्तों अगर आप नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर और यहाँ स्थापित 4 मुख वाले शिवलिंग के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।